और आज का टॉपिक है दोस्तों, इंडोर और आउटडोर में हमें क्या क्या परेशानी आती है वीडियो बनाते टाइम, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें इंडोर और आउटडोर में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह ब्लॉग। तो पहले इंडोर की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं कैमरे के सामने किसी टॉपिक पे, तो आपको अगर ऐसे वीडियो बना रहे हैं कैमरे के सामने, तो आपको बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। आपके आसपास कोई आवाज़ वगैरह कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इत्मीनान से, जिससे कि आप वीडियो बना सको अच्छे से, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे मैं बना रहा हूँ एक रूम में, अगर कोई बाहर से कोई एकदम से आ जाए तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, और जो मुझे कुछ बताना होगा वो मैं सब भूल जाऊँगा। मतलब कि एक पीसफुल रूम होना चाहिए, एकदम शांत। चाहे आप कहीं भी बना रहे हो, किसी भी लोकेशन में, छत पे बना रहे हो या सीढ़ी बना रहे हो, जैसे जिससे है सक जैसे जिसके हिसाब से लोकेशन होगी उस हिसाब से आप बना सकते हो, बट आसपास का माहौल या आपके चारों तरफ बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तभी आप अच्छे से ऐसी इस टाइप की वीडियो बना सकते हो किसी भी टॉपिक पे, और वीडियो भी अच्छी आएगी और लोगों को भी पसंद आएगी आपकी वीडियो। और इस टाइप की वीडियो के लिए क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है दोस्तों, इसमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सिंपल सा फ़ोन होना चाहिए आपके, जो आपके पास है करंट में, एक सिंपल सा फ़ोन, एक ट्रैपोड होना चाहिए जो कि स्टैंड वाला हो, जो कि खड़े हो जाए आराम से कहीं भी आप जिसको रख सको, और उसके ऊपर फ़ोन वगैरह जो भी कुछ हो आपके पास। और एक माइक होना चाहिए। माइक इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि अगर आप इस टाइप की वीडियो बनाते हैं तो जो आपका कैमरा है वो आपके मुंह से बहुत दूर रहता है, और इससे होता है क्या है कि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पाती वीडियो में, तो जो आपकी वीडियो देखेगा या सुनेगा उसको समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए आपको इसमें माइक की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम कैमरे से थोड़ा दूर खड़े रहते हैं, और माइक से क्या आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ जाती है, चाहे कितनी भी दूर कितना भी डिस्टेंस हो आपके कैमरे से, तो आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ जाएगी बिल्कुल सॉफ्ट, और वो आपको 500-600 में आराम से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो वो 800 का मिलेगा। अगर आप चांदनी चौक से या किसी शॉप से, कोई आसपास की आपकी शॉप होगी, तो वहाँ से आपको 500-600 रुपये का बोया का माइक मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है माइक है। दूसरा है दोस्तों, कुछ लोग फैमिली ब्लॉग बनाते हैं अपने घर की, तो उसके लिए तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि माइक बिल्कुल मुँह के पास होता है, जिससे कि हमारी वॉइस क्लियर आ जाती थी फ़ोन में, तो उसके लिए तो माइक की ज़रूरत नहीं है। बट उसके लिए एक फ़ोन की ज़रूरत है अच्छा खासा, जो कि बिल्कुल जो सेक ना हो आपकी वीडियो, और जो आप दिखाना चाह रहे हो वो क्लियर आ सके और लोगों को अच्छा लगे देखने में। तो आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए जो सेक ना हो। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आपको एक उसमें भी ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसकी ग्रिप अच्छे से हो पकड़ने में, ताकि आपका फ़ोन सेक ना हो, ज़्यादा हिले ना, और आपकी वीडियो अच्छे से आए, तो उसके लिए तो एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है। बट उसमें माइक की ज़रूरत नहीं है। फैमिली ब्लॉग आप खाली फ़ोन से बना सकते हो, बट उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सेक नहीं होना चाहिए। अगर सेक होता तो कोई बात नहीं, ट्राइपॉड से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छा फ़ोन लेके ही इस टाइप के ब्लॉग बनाइए या वीडियो बनाए, तभी फ़ायदा है। बाकी बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्राइपॉड लेके 250-300 रुपये का ट्राइपॉड आएगा, उससे आप बना सकते हो फैमिली ब्लॉग भी। तो दोस्तों आप कर लेते हैं आउटडोर की बात, जो कि बहुत अधिकतर लोग बनाते हैं आउटडोर की वीडियो। कोई मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, कोई बाहर जा रखा है घूमने के लिए, तो वहाँ की वीडियो वगैरह बना रहा है। तो दोस्तों आउटडोर के लिए तो आपको एक कैमरे की ज़रूरत है, जो कि अच्छा खासा कैमरा होना चाहिए। अच्छा खासा नहीं बोलूँगा, मतलब कि 30-35 हज़ार का एक फ़ोन आपके पास होना चाहिए, जो कि क्योंकि आप जैसी बातें बाहर जाओगे तो आपका कैमरा हिलेगा बहुत ज़्यादा, और हिलेगा तो आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ पाएगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा देखना, जो जब वीडियो हिलती है तो कोई भी किसी को भी पसंद नहीं है, तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे और आपके फिर वीडियो वायरल भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको चाहिए एक अच्छा खासा फ़ोन जो कि सेक वगैरह ना हो, और अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो वहाँ तो एक फ़ोन अच्छा होना चाहिए जो कि सेक ना हो। दूसरा आपका माइक होना चाहिए, बढ़िया वाला माइक, ये वाला माइक भी चलेगा आपका बोया का, तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट एक्सप्लोर करते हो तो आप कुछ दिखाने जा रहे हो ना मार्केट में लोगों को कि क्या क्या सामान मिलता है। अगर वो सामान दिखने पाए, सेक हो रही है, फोटो हिल रही है बार बार, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका वीडियो देखने में, और प्लस वॉइस इतनी ज़्यादा रहती है मार्केट में, इधर चारों तरफ आपकी आवाज़ आती रहती है, जो आप बोल रहे हो अपने फ़ोन में तो वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ पाएगी उसमें, और आ भी जाएगी तो थोड़ी बहुत लोगों को सुनाई भी नहीं देगा। तो इसलिए इन जगहों के लिए माइक और अच्छा फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अच्छे से वीडियो आप दिखा सको लोगों को, मार्केट एक्सप्लोर कर सको, तभी तो लोगों को मज़ा आएगा जब उसमें क्लियरिटी होगी आपकी वीडियो में, आपकी वॉइस में क्लियरिटी होगी, तभी लोग देखेंगे पूरी वीडियो आपकी, और लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, हाँ भाई ये सही वीडियो है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप एक इसमें भी ट्राइपॉड ले सकते हो फ़ोन के लिए, जो कि उसकी ग्रिप अच्छी खासी हो, और जितना हो सके आप फ़ोन हिलाए ना, सेक ना हो,
देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं हिलेगी, बट कुछ है, कुछ होते हैं कि हाथ से बनाते हैं और ज़्यादा हाथ से, तो अगर आपका फ़ोन सेक ही है, मतलब सेक होते रहता है, तो वो और ज़्यादा हिलती है फिर हाथ से, तो इसलिए हो सके आप एक ट्रैपोड ले लीजिए, वो भी 250 का आएगा और उसकी ग्रिप ऐसी पकड़ी बिल्कुल जो कि हिले ना, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एकदम खड़े होकर आप वीडियो बनाइए ऐसे, अगर आप चलते चलते बनाओगे तो थोड़ी बहुत तो सेक होगी होगी आपकी वीडियो मार्केट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप अच्छा फ़ोन होगा, आपका बजट अच्छा है, तो आप एक अच्छा खासा फ़ोन ले सकते हो 30,000 का। और मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों कि आपको 30,000 खर्च नहीं करने, आपको वो 18-19 या 20-22 हज़ार में मिल जाएगा फ़ोन 30,000 रुपये वाला, मैं वीडियो बना चुका हूँ उसकी, आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग में जाके। बाकी आप ट्रैपोड से ही बना सकते हो, बट कोशिश करो कि आपका कैमरा हिले ना। अरे आप अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप GoPro भी ले सकते हो, जो कि 60-70-80 हज़ार का तक आता है, वो ले सकते हो आप। 40,000 तक की स्टार्ट है, 30,000-40,000 से आ जाते हैं GoPro, तो आप GoPro भी ले सकते हैं। वो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया कैमरा है, क्योंकि एक्शन कैमरा है, जैसे बात है बिल्कुल सेक नहीं होता उसमें। सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है GoPro की, जो सेक नहीं होता बिल्कुल, और आपके मार्केट जो आप दिखा रहे हो बिल्कुल लोगों को एकदम साफ दिखाई देगा, और वीडियो सेक नहीं होगी तो अच्छे से दिखाई देता लोगों को कि हाँ ये क्या दिखा रहा है, सही है। तो इससे क्या है, लोग खींचते चले आएंगे आपके ब्लॉग देखने के लिए, और जैसी बात है व्यू भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हर चीज़ अच्छा होगा। तो अगर आपका बजट, अगर बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन से बना लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आपकी वीडियो सेक ना हो, और माइक से बनाइए ताकि आपकी जो बाहर की वॉइस है वो कम हो जाए आपके माइक में, और आपकी जो वॉइस है वो क्लियर आ सके, ताकि आप बता सको लोगों को कि आप क्या बताना चाह रहे हो इस मार्केट के बारे में, तो वो क्लियर सुनाई देनी चाहिए लोगों को। तो आपके पास माइक होना चाहिए, ये नहीं कि बिना माइक के आप चले जाओ मार्केट। जैसे मैं गया था, मुझे पता नहीं था, मैं बिना माइक के चले गया और बस फोटो भी सेक होती रही और वॉइस भी नहीं आई, लोगों की आवाज़ें तो आ रही खूब जो चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं, बट मेरी आवाज़ दब गई। तो इसलिए आपको माइक की ज़रूरत है, और एक अगर बजट नहीं है तो आप ट्रैपोड ले सकते हो अपने फ़ोन के लिए, जो भी आपके पास करंट में फ़ोन है, तभी आप जाइए बाहर मार्केट एक्सप्लोर करने। अगर दोस्तों आप घूमने वगैरह जाते हैं, अगर बाइक वगैरह है आपके पास, तो उसके लिए तो आपको GoPro चाहिए, और ज़्यादा महंगा GoPro लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देखा मैंने बंदे कि फ़ोन से बनाते हैं और हेलमेट में लगा देते हैं, तब तो दोस्तों वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं है, उसमें वीडियो वगैरह हिल जाती है वो ज़्यादा। उसके लिए आपको एक्शन कैमरा GoPro ही लेना पड़ेगा, वो भी आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं GoPro, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा 19-20 या 18 हज़ार का, सेकेंड हैंड ले सकते हैं आप, और उसी से बनाइए बाइक की, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपकी एकदम क्लियरिटी आती है, अगर पिक्चर हिलेगी नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता भाई पिक्चर सेक वगैरह का क्या, मतलब समझ नहीं आता शुरू शुरू में, तो जैसे मुझे नहीं आता भाई सेक वगैरह भी होती है क्या वीडियो, तो हाँ अगर आप किसी और चीज़ से बनाओगे तो वीडियो इतनी सेक होगी कि वो समझ में नहीं आएगा लोगों को, दिखेगा नहीं क्या क्या दिखा रहा है, इतनी हिलती है, जब पिक्चर हिलती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता टी वी में, जैसे देखो आप अपने कुछ टी वी खराब हो जाते तो हिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें जैसी बात है अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी वीडियो भी है। तो वीडियो के लिए अगर बाइक राइड वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए GoPro लेके चलिए आप, सेकंड हैंड ले लीजिए, महंगा नहीं बोल रहा मैं, सेकंड हैंड जो कि 18-19 ऐसे आपके जैसे आप देखोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा आराम से GoPro। और उसके लिए बाहर के लिए भी फ़ोन अच्छा होना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल सेक ना हो, क्योंकि देख दोस्तों अगर आप वीडियो देना चाहते हो यूट्यूब में तो आपकी क्वालिटी तो 100% अच्छी होनी चाहिए, जो कि क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, और वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और वैसे भी आपका फ़ोन मुंह के पास रहता है तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी माइक की, तो बिना माइक के भी जा सकते हैं, बट फ़ोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों आज के टाइम, 30,000 के फ़ोन जो है उसकी क्वालिटी जो मेरे पास है ये भी 30,000 का है, बट मैंने बहुत कम रेट में लिया है, तो आप मेरी वीडियो दे सकते हो। और इसमें क्या खासियत है इस फ़ोन में, ये बिल्कुल सेक वगैरह नहीं होते, इसमें आप वाइड एंगल वाली वीडियो बना सकते हो जो कि GoPro में बनाते हो, प्लस आप 4K की वीडियो बना सकते हो जिसमें क्वालिटी और निखर के आती है, बिल्कुल क्लियर साफ वीडियो बनती है, तो 4K की वीडियो बना सकते हो, और बहुत सारे फंक्शन है इसमें, बहुत बड़ी बढ़िया जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो एक वीडियो के लिए, तो बहुत बढ़िया फ़ोन है, और क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, इस फ़ोन की कैमरा बहुत बढ़िया है मतलब कि, और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है, जो माइक होता है इसमें जो पहले से इनबिल्ट होता है माइक, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाओगे कहीं जाके तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ जाती है आपकी, और जो बाहर की वॉइस होती है वो कम हो जाती है इस फ़ोन में, जो इस फ़ोन के माइक में है वो बाहर की आवाज़ कम सुनाई देती है, अगर आपके पास सामने फ़ोन होगा तो आपकी वॉइस ज़्यादा साफ आएगी इसमें, तो ये मैंने खासियत देखी है। तो वो ये जैसे पैसे डालोगे उस हिसाब से आपकी वो क्वालिटी मिलेगी फ़ोनों में, तो मैंने वीडियो बना रखी है फ़ोन की दोस्तों, मैं इसलिए बनाइए कि जो एफोर्ड नहीं कर पाते महंगे फ़ोन, तो वो महंगे फ़ोन कम रेट में ले सकते हैं, अगर आप सीरियस हो वीडियो बनाने के लिए तभी लीजिए। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा था मैं भूल गया, आप सभी को हैप्पी होली, आपकी फैमिली को, पूरी फैमिली को,
तो बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो, अगर मिली तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।